माय चैनल। तो दोस्तों आज हम ना जिले में मौजूद हैं, एक ना स्पेशल वीडियो बनाएंगे, हम ना एक ना स्पेशल जगह आए हुए हैं। तो आप देखिए आज को ना आप ये एक ना जहलम का ना एक नया रेस्टोरेंट जो रिसेंटली ओपन हुआ है मोनार्क लाउंज, इसकी जो लोकेशन है ये आप ना जब आते हैं ना इस्लामाबाद से जहलम तो रास्ते में आप पाता है कि जहलम से ना तकरीबन 10-15 मिनट पहले आता है दीना और जहलम के दरमियान ना जीटी रोड ऊपर ना ये मोनार्क लाउंज ये मौजूद है। तो ये देखिए आप, ये रोड का भी व्यू आपको दिखाते हैं, उसके ये सामने ना सामने देख रहे हैं ये शाहजहां शलवार, ठीक है ना। तो ये इधर की लोकेशन है। तो अभी हम ना अंदर जाएंगे तो आपको ना उनका मेन्यू भी दिखाता हूँ और फिर ना जो खाना हम ऑर्डर करते हैं वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए लेट्स गो। तो ये देखिए हम ना ये एंटर होते हैं, इनका ना नाइस एंट्री है, देखिए अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए काफ़ी इनका जो मैंने सुना था ना इंटीरियर ना काफ़ी अच्छा है, डेकोरेशन है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ये देखिए ये भी ना इनका बुफे था, ये रमज़ान के लिए तो ना ये ख़त्म हो गया है क्योंकि हम लेट आए हैं। हाँ जी वालेकुम सलाम। तो हम ना अपनी जगह पर अपनी सीट पर अपनी टेबल पर बैठ गए हैं। तो इनका जो ना इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी न्यू है, रिसेंट है, स्टाइलिंग का मुझे अच्छा लगा है। ये देखिए आगे भी दिखाएं, ऊपर भी दीवारों का भी जो स्टाइल है ना काफ़ी खूबसूरत है। ये जो आपको ना मेरे पीछे भी ना दीवारें नज़र आ रही है, काफ़ी इनका ना खूबसूरत स्टाइल है। तो अब हमें ना अपना ऑर्डर दे चुके हैं, तकरीबन सब लेना स्टेक मंगवाया है और साथ में एक पिज़्ज़ा भी मंगवाया है। तो वो ना जब आता है आपको दिखाते हैं। पहले मैंने बोला कि पिज़्ज़ा आप दे दें हमें, हम चेक करेंगे क्योंकि भूख लगी, हमने रोज़ा रखा है, बस पानी पिया है, खजूर खाई है, मिल्क शेक पिया है, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। तो तकरीबन ना ये 2 घंटे हो गए हैं कि रोज़ा खुल गया है, लेकिन बस एक दो काम थे इसके लिए हम लेट हो गए। तो अब ना बस पिज़्ज़ा हम आने लगे हैं, वो चेक करेंगे। इसके बाद जो ना स्टेक की प्लेटें जो चिकन और बीफ स्टेक वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, काफ़ी बड़ा पिज़्ज़ा है माशाल्लाह। अब ना चेक करते हैं और आपको ना बताते हैं कि पिज़्ज़ा कैसा बनाया है और कैसा पिज़्ज़ा है। गाइस हमारा पिज़्ज़ा आ गया है, ये देखें। ये ना सबसे पहले ना हम ना अली को देते हैं, ये लो बिस्मिल्लाह। अच्छा उसके बाद रहमान को ना ये दूसरा ना ये ना उनका जो पिज़्ज़ा ना ये बना ये स्पेशल है, ये तो नहीं लेना, नहीं ये शायद बाद में लेना। ये ना इनका ना ये जो मोनार्क है ना ये स्पेशल मोनार्क स्पेशल, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। हाथों के साथ खाते हैं। अच्छा पिज़्ज़ा, अच्छा अली को पिज़्ज़ा तो अच्छा लगा है। मुझे भी अच्छा है। मैं जो पिज़्ज़ा ना ज़्यादा हैवी है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है। पिज़्ज़ा अच्छा टेस्ट, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है अपने। उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ डाली। वेलकम बैक। तो हमने ना अपना पिज़्ज़ा ख़त्म किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना पूरी फैमिली के साथ आए थे, बड़ा पिज़्ज़ा था,
मैंने जो सोचा था ना कि पिज़्ज़ा इतना बड़ा होगा, उससे ज़्यादा बड़ा था। हमने सबसे बड़ा लार्ज पिज़्ज़ा मंगवाया था, 8 पीस थे, लेकिन बहुत बड़े पीस थे। अब बताओ हरमान, तुम्हें कैसा लगा पिज़्ज़ा? मुझे तो दोनों बहुत पसंद है, लेकिन दूसरा थोड़ा हैवी था और मुझे उसमें मशरूम नहीं पसंद है। एक था चीज़ लवर, एक था उनका ये रेस्टोरेंट है मोनार्क स्पेशल, तो दोनों ना अच्छे थे। और जब हम बात करें ना टेस्ट की, तो टेस्ट ना ठीक था। जब अगर हम ना कंपेयर करें ना जो बाकी हमें ना पिज़्ज़े मिलते हैं, तो उसके हवाले से ना इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बेहतर था। साइज़ भी ठीक था, टेस्ट भी ठीक था, तो आप बस ट्राई करें। प्राइस के हवाले में ना ये तकरीबन ना हमें 1350 का ना ये बड़ा पिज़्ज़ा ना जो 2-3 लोग आराम से खा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम ना अपनी जो स्टेक मंगवाए हैं, चिकन स्टेक और एक बीफ स्टेक, वो उसका वेट है वो खाएंगे, चेक करेंगे और आपको अपना रिव्यू देंगे। तो ये दोस्तों, ये मेरा है दयान का, इसका मतलब है मेरा चिकन और साथ में फ्राइज, टैरागोन सॉस, एक सॉस वाइट सॉस, बड़ी मज़े का लग रही है। और ये रैन की प्लेट मेरी तरह सेम, और अरमान का अरमान को मेक्सिकन चिकन, तो फ्राइज साथ में चिकन और उनका मेक्सिको सॉस। इधर इधर क्या है? मेरा है जलिपानो स्टेक, जलिपानो चिकन, और इधर ये बीफ का है, ये जलिपानो बीफ का वाजी रो। तो ये देखें हमारे स्टेक रेडी है, मैं जलिपानो और मेरा मोरक्को, क्यों मैंने सोचा था पे मेक्सिकन है लेकिन मोरक्को स्टेक, ये जलिपानो है साथ। चेक कर लें पहले कि मैं चेक करता हूँ तो अपना फीडबैक देता हूँ। ये मैं चेक करूँगा मोरक्को स्टेक चिकन स्टेक, स्टेक सब के सेम होते हैं, बस ये कि ऊपर जो सॉस डाला हुआ है ना उसका फर्क आता है। ये ना लोग ये यानी पानो, तुम भी मैं चेक करो बताओ किसका अच्छा लगा है। ये वाला बहुत अच्छा अच्छा था। कौन सा करते हैं? मोरक्को मोरक्को। और आप ये पापा का यानी पानो, ये भी अच्छा है। ये मैंने ना ये बीफ का भी लिया है, ये भी यानी पानो का था, लेकिन ये चेक करूँगा बीफ का। अच्छा था लेकिन मुझे तो थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन लगा। और ये एक नाम जो हम जो चौथी ऑप्शन थी, ये टैरागोन, ये भी ट्राई करते हैं। अच्छी करो इनके जो भी स्टेक है ना बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं, फ्रेश बने हैं, ताज़े हैं, सॉस भी इनके अच्छे हैं। तो आप ज़रूर आके ना चेक करना। अब हम आराम से करते हैं कि आपको अपना फाइनल रिव्यू देंगे, ठीक है ना। तो अपना रिजल्ट टाइम फॉर द फाइनल रिव्यू। तो इनका जो ना रेस्टोरेंट, इनकी सर्विस, जो इनका डिज़ाइन, लोकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। सर्विस भी ठीक थी, लोकेशन भी अच्छी है, जीटी रोड पे है,
और जो इनका ख़ास तौर पे मुझे जो ज़्यादा पसंद है ना, इनका जो फर्नीचर डिज़ाइन हैं, सोफ़े भी बने हैं, लाउंज बेड बने हैं, आप इजी से ना रिलैक्स होके इधर खाना खा सकते हैं। एसी पंखे लगे हुए हैं, बिल्कुल आप इजी कंफर्टेबल होंगे। अब आती है प्राइस के हवाले में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो बड़ा पिज़्ज़ा था 8 पीसीज, वो काफ़ी बड़े पीसीस थे, ठीक है। मैं खुद हैरान था कि इतना बड़ा पिज़्ज़ा मैंने पाकिस्तान में कम ही देखे हैं, ठीक है। तो जो पिज़्ज़े का ना वो ना तकरीबन 350 का पिज़्ज़ा था और अच्छा था, टेस्टी था, जो दूसरे जो पिज़्ज़ा बनाते हैं उनके हवाले से ना काफ़ी बेहतर था। अब करते हैं ये जो प्लेटें हमने मंगवाई थी, हमने 3-4 किस्म की ना प्लेटें मंगवाई थी, तो तकरीबन सब अच्छी थी। बीफ का भी टेस्ट मैंने चेक किया, काफ़ी ज़बरदस्त था उसमें ना, काफ़ी ये ग्रिल की ना जो था ना टेस्ट काफ़ी अच्छा था, ज़बरदस्त था। तो उसके बाद जब हम बात करें चिकन के भी ना अच्छे थे, एक दो सॉस थे इतने ख़ास नहीं थे। अरमान अपना रिव्यू देगा, कैसा लगा? मुझे तो सबसे ज़्यादा मेरा पसंद आया मोरक्को वाला। मोरक्को का मुझे भी ना शायद ना सबसे ज़्यादा मोरक्को का था। और बाकी वो जो रैन ने लिया था और डैन ने, इसका चिकन स्टेक टारगन, हाँ टारगन, मुझे टारगन इतना खास नहीं लगा। और फिर पापा का जही बात है, लास्ट में मेरा ही आता है। अच्छा, तो पिज़्ज़ा कैसा था? पिज़्ज़ा भी अच्छा था, ठीक है। तो ठीक है, अब ना क्योंकि हम ना पाकिस्तान नहीं हुए हैं, हमें कीमतों का प्राइस का ज़्यादा पता नहीं है, मैंने आपको प्राइस बता दिया है, तो कितनी नोट दोगे 10 ऊपर ना पिज़्ज़े का? पता नहीं। अच्छा, मैं ना पिज़्ज़े का ना एक ना 7 दूंगा, ठीक है। वो जो प्लेट है ना उसका भी ना मैं ना 7 दूंगा, ठीक है। जो है ना इनका लोकेशन, इनका जो डिज़ाइन है उसको मैं 9 दूंगा, ठीक है। सर्विस भी अच्छी थी, ठीक है ना। मैं तो डिज़ाइन को 10 दूंगा। 10 इसको डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। पिज़्ज़ा 8 और वो प्लेट वो 9। अच्छा, इसका मतलब जो है ना यंग स्टार्स इनको ज़्यादा पसंद आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम करते हैं ये इस वीडियो का, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू, ये प्रेजेंटेशन, ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। दो में याद रखें और अपना याद रखें, ठीक है। भैया, क्या हाफिज़।